अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो मैं आपको जो श्रीनगर हज़रत बल जो तरका है उसका कुछ बाहर वाला हिस्सा दिखाने की कोशिश करूँगा। तो अंदर वाला जो हिस्सा है उसकी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है बाहर वाला हिस्सा जहाँ आपको बारिश वगैरह में रहने के लिए या धूप वगैरह में रहने के लिए पूरा इंतज़ाम किया गया है। इसको हमारी भाषा में बोलते हैं, देसी पहाड़ी भाषा में बोलते छाता, छतरी। देखो काफ़ी सारे, तो ये कुछ है पार्क। तो गाइज, मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ से, जो है यहाँ जो बहुत बड़ी एक झील तल पाई जाती है उसकी ओर। यहाँ से जो है ये बाहर को जो है कैरन होता है रास्ता गाइज। तो गाइज, वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, आपको खुद ही पता है। तो वीडियो को पूरी वॉच करें, मैं एक एक मंजर आपको दिखाऊंगा। यहाँ जो है न्याज वगैरह आप यहाँ जो है डाल सकते हो, बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे भी हो कि यहाँ से भी आप अंदर जा सकते हो। ये कुछ बाहर का रास्ता ही देखो, यहाँ से पत्थर जो है पत्थर की साइड का लगा है, और देखने में लगता है कि जैसे पूरी आरसीसी है, बट ये आरसीसी नहीं है गाइस। ये पूरा फुट बाई फुट का, गेट बाई गेट का पत्थर आप देख सकते हो यहाँ पे लगाए गए हैं, और ये पूरे का पूरा पत्थर है। जैसे ये देख सकते हो पेड़ है, एक चिनार का बहुत बड़े पेड़ है यहाँ। देखो बहुत बड़ा पेड़ है, देखिए वाला पेड़ है। ये जो है, ये जो ज़ियारत की फ्रंट वाली साइड में जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये देखो कितने अच्छे पार्क हैं। और ये रही ज़ियारत, ये रहा दरबार, देख सकते हो आप। और ये रही हमारी जो है पार्क। हाँ, तो गाइस मैं आ चुका हूँ यहाँ पे जो झील डल है, तो उसको दिखाने की कोशिश करूंगा मैं आपको। देख सकते हो आप, बहुत ही बड़ी झील डल है, जहां तक आपको नजर पहुंची आप देख सकते हो। और बड़े बड़े दूर से यहां पर जो है आए हुए लोग हैं, कुछ टूरिस्ट हैं, कुछ लोकल हैं। ये देख सकते हैं यहां पे जो है किश्तियां वगैरह, यहाँ पे आपको किश्ती मिलेगी, मोटर वाली भी, दूसरी भी। और इस वहाँ से लेकर उस पार आकर आपको जाना होगा तो 100 रुपये जो है एक सवारी की आपको जो किश्ती वाला लेता है। तो गाइस, ये जो छोटे छोटे आपको पानी में डिब्बे जैसे दिख रहे होंगे, कोई बाउंड्री जैसे दिख रही होगी, ये है इस डिब्बे पे, इस बाउंड्री के अंदर जो है मतलब आम आदमी जो है जाके मतलब घूम सकता है, बाकी इसके बाहर जो जा भी नहीं सकता है, और जो गया वो वापस भी नहीं आएगा, क्योंकि उसके हद की बात तो है नहीं, इतना बड़ा झील जल है। उस पार से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, वहाँ से लेकर बहुत ही ज़्यादा दूर से, वो पार से वहाँ से हो के कि एरिया की मैं बात करूँ तो एरिया का कोई हिसाब नहीं लगा सकते हैं कि कितना बड़ा एरिया है ये। तो इस साइड में आपको बात करूँ तो बहुत ही बड़ा एरिया है, बहुत ही बड़ी झील जल है यहाँ पे। आपको मतलब किस्म मतलब जो आपको दिल करे वो आप यहाँ मतलब सकती हो, आपको मन चाहे आप किश्ती में सवार हो सकती हो, हजरत वार से और पार जा सकती हो। पार के उस वाले गांव का मुझे नाम मालूम नहीं है, पूछा भी था मैंने अपने फ्रेंड्स को बट मुझे भूल गया है, बट पड़ती है वो गांदरबल वाली ही साइड पड़ती है। वहाँ से होके हमारे जो है लेह लद्दाख को कॉन्टेक्ट करता है जो रोड, हो सकते है आपको गाड़ियाँ वगैरह भी चलती दिख रही होंगी थोड़ी थोड़ी वहाँ से। तो गाइस, ये रहे बाकी जो है हमारे जो है मज़ार है, ज़ियारत है। देख सकते हैं हम लोग कितने हैं यहाँ पे, बड़े बड़े दूर से आउट ऑफ स्टेट कंट्री से आए हुए लोग यहाँ पे। तो मेरा भी जैसे अचानक ही आना हुआ, चलो अल्लाह ही को पता है मैं कैसे यहाँ आया, खुशी में आया, गमी में आया, कैसे है कैसे नहीं आया। तो गाइस,
मैं आपको एक बार फिर इस जो है हमारी भाषा में तो इसको फिलहाल डोगरी में तवी बोलते हैं, इस तवी को दिखाने की कोशिश करूँगा। इतनी बड़ी तवी है कि इसका कोई भी मेजरमेंट नहीं कर सकता है और ना ही किसी ने आज तक किया, ना ही कोई कर पाया और ना ही हो सकता है। बहुत ही बड़ी तवी है, जहाँ तक आपको चारों साइड नज़र पड़े ये तवी। और ये जो पोल जैसे आपको दिख रहे हैं ना बीच में, ये बाउंड्री है। ये जो डिब्बे दिख रहे हैं, इन डिब्बों में यहाँ से बंदा इस जगह से बैठकर मतलब जा सकता है वहाँ तक, बस इसके बाहर जो बंदा गया वो उसको वापस आना नामुमकिन होता है, उसके बस के बाहर की बात होती है। तो फिलहाल तो जाते हैं, जिनका बड़ा बड़ा दिल है वो जाते हैं, हम भी जा सकते हैं। तो गाइस ये आपको जहाँ पे मतलब एक रूम का बनाया हुआ है, हाँ तो गाइस ये देख सकते हो आप, इनमें यहाँ पे किश्तियाँ भी रखी हुई हैं। तो यहाँ से जो आपको अगर घूमना होगा तो ये किश्ती का शायद 100 रुपये लेते हैं ये इस पार का। तो मैं आपको कोशिश करूंगा यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल है अंकल, ठीक हो अंकल? यहाँ से पार जाने का कितना लेते हो आप? ऐसे घूमना होगा एक बंजन से, कितना लोग ऐसे लेते हो, कितना हो वो, कितना आदमी कितना है? हमें तो एक ही बंदा हूँ, आधा घंटे का 800 रुपये। 800 रुपये, चलो ठीक है, चलो ठीक है। मतलब सेम रेट सब सेम ही लेते हैं, चाहे एक हो चाहे इसे। कितने बंदे आते हैं इसमें? 4 बंदे आते हैं। चलो ठीक है, मेरा भी कुछ मूड बन रहा है जाने का इंशाल्लाह। मैं अपने फिलहाल थोड़े गाइस को दिखाऊं यहाँ का व्यू। तो गाइस मुझे कुछ डर सा लग रहा है यहाँ पे, बहुत ही ज्यादा पानी जो है ना इतना मतलब मुंह में ठोकते ही रहता है। तो गाइज इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहाँ ही स्टॉप करता हूँ। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए लीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़, बाय बाय।